हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के जो डाटा एनालिसिस है तो उसको अच्छी तरह से हम देख लेंगे कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए, ये जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है, इस डाटा को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो डाटा कैसे हमें देखना चाहिए। तो देखिए, मैं पहले आपको बैंक निफ्टी निफ्टी का रेंज आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बैंक निफ्टी का रेंज है जो कल मैंने आपको बताया था कि किस रेंज पर आए तो आपको सपोर्ट बन जाएगा। देखिए, 43,230 का ये सपोर्ट लेवल था, जिस सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट ले लिया तो कल देखना चाहिए ये लेवल पर आता है, यानी 43,344 के आसपास, 100 पॉइंट के नीचे के आसपास आता है तो बाइंग बनेगा। और टारगेट अभी दिखाई दे रहा है 43,831, ये मैक्सिमम रेंज तक अभी वन डे बेसिस में जा सकता है, इसके ऊपर आपको क्लोज दे रहा है तो ये टारगेट, ये दोनों टारगेट आपको बनेगा। तो अभी क्या है ना, मार्केट इस रेंज पर हमें देखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो हमें ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा टाइम वाइज हमें चेक करना चाहिए, जैसे अभी डाउ 94 एंड नैसडक 77 चल रहा है और डैक्स आपको 51 पॉइंट चल रहा है, तो इसको देखकर डे बेसिस में हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये आपका अभी जो रेंज है 43,232 43,834, ये रेंज पर अभी बैंक निफ्टी को हमें देखना चाहिए। निफ्टी का रेंज अभी हमें कैसे देखेंगे, देखिए निफ्टी का जो रेंज है पॉजिटिव साइड में है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो लास्ट लेवल है स्टॉप लॉस से 19,256, ये लेवल तो हमें एक्सपेक्टेशन अभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये काफी हाई लेवल पर एंड स्ट्रॉन्ग है मार्केट। तो हमें अभी जो मार्केट का स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है ये मैक्सिमम 19,931 डे बेसिस में हमें देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर दे रहा है तो उसके बाद 20,133 एंड मैक्सिमम रेंज 20,268 तक भी आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज दे रहा है तो ये एंड ये टारगेट आपको दोनों टारगेट देखने के लिए मिलेगा। तो जो लेवल बेसिस का लेवल है तो इसको हमें लेकर चलेंगे, ये लेवल के हिसाब से यहाँ पर आता है तो देखिए बाइंग आपको क्रिएट होता है। तो हमें जो देखना है कि ट्रेंड लाइन के बेसिस में क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन के बेसिस में कल भी समझाया था, आज भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का जो ट्रेंडिंग पॉइंट है, ये ट्रेंडिंग पॉइंट अभी शुरू हो रहा है इसके ऊपर, यानी ये जो ट्रेंडिंग पॉइंट अभी क्रिएट हो रहा है, ये ट्रेंडिंग पॉइंट यहाँ से जो ड्रॉ में कर रहा हूँ, देखिए ये जो ट्रेंडिंग पॉइंट है इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं दिया है तब तक के लिए तो पॉजिटिव हमें नहीं मान सकते हैं। इसका मतलब है 43,590 के ऊपर ट्रेंड लाइन जो बोल रहा है इसके ऊपर आपको देना चाहिए, लेकिन आपको लेवल बेसिस में जो हमने देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो लेवल बेसिस में कहां पर आपको लेवल है उसको देखना चाहिए। तो लेवल बेसिस एंड उसके साथ हमें देखना चाहिए कि ट्रेंड लाइन क्या आपको बता रहा है। तो अभी क्या है, मैंने ये इसके ऊपर रहता है तो ये आपका ट्रेंडिंग पॉइंट कंप्लीट होता है, 44,500 तक भी मैक्सिमम आने के लिए चांस है, ये लेवल पर आपको चलेगा। तो अभी इसके ऊपर में हाई लेवल पर जो हाई बनाया है इसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और सेकंड पॉइंट इस लेवल पर भी हमें एक लाइन क्रिएट करना है, दोनों पॉइंट पर आपको कहां पर भी आ जाएगा, इसके ऊपर क्लोज दे रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, आज जो क्लोज दिया है, आज जो नीचे का जो लाइन जो लो पॉइंट बनाया है इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और देखना है कल इस लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो नहीं हो रहा है तो एक बार आ रहा है डबल बॉटम बना रहा है या आ रहा है, ऐसे हमें मार्केट को देखना चाहिए। ऐसे हमें ड्रॉ करने के बाद इसको हमें 15 मिनट में हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इजी हो जाएगा देखने के लिए, समझने के लिए। देखिए, ये ट्रेंड लाइन बेसिस में हो गया, इसके ऊपर रहता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बैंक निफ्टी अप टू 44,400 तक जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो ये डाटा हमें बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। इसके साथ हम देखिए तो डे बेसिस में निफ्टी का जो रेंज निकल कर आ रहा है, कौन सा रेंज, तो निफ्टी का जो रेंज है आपको कल भी हमें ड्रॉ किया था। देखिए, ये जो ट्रेंडिंग पॉइंट है ये ही ट्रेंडिंग पॉइंट जहां पर रुक रहा है तो इसके ऊपर आपको क्लोज दे देगा, यानी जो हाई पॉइंट था इसके ऊपर आपको क्लोज दे रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, हाई पॉइंट मिल जाएगा तो 20,200 तक ये आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं दिया है तब तक के लिए पॉजिटिव नहीं करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस मेंटेन होगा ये हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाएगा। तो हमें जो लॉन्ग बेसिस में हमें लग रहा है, लेकिन जो स्टॉप लॉस हमें दिखाई दे रहा है ये आपका नीचे का स्टॉप लॉस है 19,338 बड़ा स्टॉप लॉस है और ये लेवल आपको ब्रेक होने वाला नहीं है,
ज्यादा से ज्यादा ये लेवल के ऊपर रहता है तो ये टारगेट बनेगा। तो हमें क्या करना चाहिए ना, सिंपल नीचे का एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन जो बेस अभी बना है, तो हमें सिंपल एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये लेवल आपको मेंटेन करना है। इसके आसपास आता है, मैं इसको वाइट कर देता हूं, इसके आसपास आता है तो आपको बाइंग बनेगा। आज देखिए ये है आपका 670 के आसपास आ रहा है, दो दिनों से यहां पर आपको सपोर्ट ले रहा है, यहां से नीचे में थोड़ा सा आता है तो फिर भी बाइंग बनेगा। आपको ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करना चाहिए, लेकिन डे बेसिस में ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर मेंटेन हो रहा है तो और भी पॉजिटिव जाने के लिए चांस है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी का डिटेल्स एनालिसिस ये रहता है कि इसके लाइन के ऊपर जाता है तो पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, ये लाइन के नीचे में आता है थोड़ा सा डिक्लाइन फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमें निफ्टी का जो स्ट्रेंथ अभी दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ बन रहा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव साइड में देखना चाहिए। छोटा मोटा करेक्शन आता है तो उसमें हमें पॉजिटिव साइड में बाइंग नजरिया से देखना चाहिए, लेकिन आपको ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करना पड़ेगा और डाटा को अच्छी तरह से ग्लोबल मार्केट के साथ मिलाकर देखना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। और ग्लोबल मार्केट के डाटा को मिलाकर आप जब देखेंगे और इसको हमें 5 मिनट या 15 मिनट में ट्रांसफर कर देंगे तो हमें पूरा डिटेल्स आ जाएगा, डाटा वही लेवल वही स्ट्रेंथ कहां पर क्या हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा। ये ट्रेंडिंग पॉइंट है, ट्रेंड लाइन है जिसको आपको लेकर काम करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल्स एनालिसिस आज के सेक्शन में मैंने रखा कि ट्रेंड लाइन और लेवल बेसिस में कहां पर क्या बन रहा है। थैंक यू सो मच, कल के लिए गुड नाइट।